सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताने रहा हूँ कि आप यदि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट ओपनिंग कराएंगे दोस्तों, एंड आप अकाउंट ओपनिंग कराने के टाइम में आप यदि चेकबुक का अप्लाई नहीं किए होंगे, चेकबुक यदि नहीं लिए होंगे दोस्तों, एंड अभी आप यदि चेकबुक लेना चाहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो दोस्तों आपको करना है कि आपको उसके लिए एक फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा, एंड फॉर्म को फिलअप करके आपको जमा करना होगा। आप यदि उस फॉर्म को फिलअप करके जमा कर देते तो आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस में आपका चेकबुक डिलीवरी हो जाएगा। सो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो के माध्यम से जानता हूँ कि उस फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाता है। सो दोस्तों, आपको कहना है कि आपको शुरू से एंड तक देखना है, एंड स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है, तभी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेकबुक अप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे, नहीं तो आप फिलअप नहीं कर पाएंगे। एंड दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें। दोस्तों आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको जाना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाने के बाद दोस्तों वहाँ पे बोलना है कि मुझे चेक बुक लेना है, तो आपको एला फॉर्म दे देगा दोस्तों। रिक्वेस्ट फॉर सर्विस रिक्वायर्ड इन NRA NRO अकाउंट्स, दोस्तों आपको ये फॉर्म दे देगा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों आप इस फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, तो सारा कुछ मैं आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। दोस्तों सबसे पहले यहां पे आपको ये पार्ट को आपको खाली छोड़ देना पड़ेगा, ये पार्ट को आपको कुछ करने की दरकार नहीं है। जो सिग्नेचर वगैरह लिखा हुआ आपको बिल्कुल ही छोड़ देना, आपको कुछ करने की दरकार नहीं है। ये जो है ब्रांच का जो अधिकारी वही यूज करेगा दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ब्रांच यूज, तो दोस्तों ब्रांच का जो अधिकारी है वही यूज करेगा, आपको कुछ करने का दरकार नहीं है। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर लिख देना पड़ेगा दोस्तों। जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो पासबुक से देख करके, आपको 11 डिजिट का अकाउंट नंबर होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख देना होगा। अकाउंट नंबर लिखने पर दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है अकाउंट होल्डर नेम, दोस्तों यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना पड़ेगा, जो नाम आपका है वो नाम यहाँ पे आपको लिख देना होगा। उसके बाद दोस्तों ब्रांच नाम या तो कोड यहाँ पे लिख सकते हैं, ब्रांच का कोड यदि आपको पता नहीं तो यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिख देना होगा, जो भी ब्रांच में आपका अकाउंट होगा दोस्तों। इतना करने में दोस्तों आपको आना है नीचे की ओर दोस्तों, ये वाला पार्ट को आपको बिल्कुल ही छोड़ देना पड़ेगा। आप यदि एटीएम कार्ड लेना चाहते हैं तो ये वाला पार्ट को आपको यूज करना होगा, आपको अदरवाइज आपको कुछ करने का दरकार नहीं, ये सब कुछ करने का दरकार नहीं। आप यदि एटीएम कार्ड ब्लॉकिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको एटीएम कार्ड का नंबर वगैरह लिखना होगा। आप यदि एटीएम कार्ड न्यू इश्यू करते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना होगा एटीएम कार्ड के बारे में, मैं एटीएम कार्ड नहीं लेना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं चेक बुक लेना चाह रहा हूँ, तो ये आपको करना होगा। आप यदि चेक बुक लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको टिक लगा देना है इशू ऑफ चेक बुक में दोस्तों। आप यहाँ पे इसमें टिक लगा करके आप यहाँ पे चेक बुक का नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं, कितना पेजेस को आप लेना चाहते हैं, जैसे कि 25 पेजेस होता है और 50 पेजेस होता है, तो यहाँ पे मैं 50 पेजेस का लेना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं 50 पेजेस लिख दिया हूँ। आप जितना भी पेज का लेना चाहते हैं वो यहाँ पे आपको लिख देना होगा दोस्तों। इतना करना दोस्तों आपको कुछ करने का दरकार नहीं, यहाँ पे आपको आना है नीचे, नीचे आने दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे डेट लिख देना पड़ेगा, जो डेट में आप इस फॉर्म को जमा करना चाहते हैं वो डेट यहाँ पे आपको लिख देना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको प्लेस लिख देना पड़ेगा, प्लेस लिखने वाले दोस्तों यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना होगा। और दोस्तों आपका यदि ज्वाइंट अकाउंट है तो सेकंड पार्टनर का जो है वो यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना होगा, और फर्स्ट एप्लीकेंट को यहाँ पे सिग्नेचर कर देना होगा दोस्तों। इतना करने वाले दोस्तों आपका जो फॉर्म है वो फॉर्म पूरा तरह से रेडी हो जाएगा। सो दोस्तों आई होप आज की इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आप लोग को समझाना चाहता था सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, साथ ही साथ अभी तक जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा दोस्तों सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें। दोस्तों मिलते हैं इस वीडियो में कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाबा, जय हिंद, वंदे मातरम।